Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of March 2019. So, 2 March 2019 news analysis dekhte hain. Before we start, these are the questions for you today. The first question is, ebony and rosewood are the tree species found in which of the following types of biome? So, first option is tropical rainforest. Second is tropical dry deciduous forest. थर्ड इज प्रेरीज या फोर्थ डेजर्ट वेजिटेशन. तो आपको बताना है इनमें से कहाँ एबोनी एंड रोजवुड पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर टू इज कोक्रेन कोलैबोरेशन इज कंसर्न विद. तो कोक्रेन कोलैबोरेशन इनमें से किससे रिलेटेड है. ऑप्शन आर ए एग्रीकल्चर, बी हेल्थ केयर, सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डी सोलर एनर्जी. क्वेश्चन नंबर थ्री इज रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. इनमें से किस जगह पे सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स सेटअप किया जाने का डिसाइड किया गया है. ऑप्शंस आर ए गुवाहाटी, बी गाजियाबाद, सी ग्वालियर या डी गुड़गांव. तो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नीचे आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की भी और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी, जहां पे हम आर्टिकल्स थोड़े बहुत शेयर करते हैं प्लस क्वेश्चंस भी शेयर करते हैं. ओके, सो बेसिकली इंस्टाग्राम में ज़्यादा ईजी है, फोटोज के फॉर्म में आपको नोट्स बना के भेज देना. सो यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो. सो लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट फ्रेंड्स. नाउ द फर्स्ट न्यूज, अभिनंदन हैज अराइव्ड यस्टरडे. तो कल उनको इंडिया ला लिया गया है. नाउ ही विल बी अंडरगोइंग द मेडिकल टेस्ट एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें होंगी. बट द प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड वी ऑल आर हैप्पी दैट ही हैज़ बीन ब्रॉट बैक. एंड जिनेवा कन्वेंशन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि प्रिजनर ऑफ वॉर से रिलेटेड है, कि किस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए और किस तरह से उनको आप रिपेट्रिएट करेंगे. काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, लोगों ने बोला कि अकॉर्डिंग टू द जिनेवा कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी फॉर पाकिस्तान टू रिटर्न अभिनंदन. एंड हुआ भी वही कि 2 दिनों के अंदर उनको वापस ला लिया गया है. नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज दैट एट OIC मीट इंडिया फ्लेज टेरर फंडिंग. तो OIC का मीटिंग हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मीटिंग हुआ था. एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. ओके, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ OIC. वहाँ पे इंडिया को इस बार चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया था. एंड सुषमा स्वराज जी हमारे कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो वहाँ पे गई थी. एंड शी हैज़ फ्लेड द टेरर फंडिंग देयर, स्पेशली पाकिस्तान ने जो अभी रिसेंटली जैश ए मोहम्मद और ऐसे ग्रुप्स जो वहाँ पले हुए उसका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे विरोध किया, उसका अपोज किया. अब इस न्यूज़ में हमको जानना ज़रूरी है OIC के बारे में सारे फैक्ट्स देख लेते हैं कि करके OIC फिर से रिवाइज हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है ये बॉडी इस साल के लिए, तो आ भी सकती है. तो OIC इज़ बेसिकली गैदरिंग ऑफ 47 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़. तो 47 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ एंड ओवरऑल देर आर 57 मेंबर्स. तो OIC में याद रखिएगा टोटल मेंबर्स जो हैं वो 57 हैं. और अगर आप देखें कि मुस्लिम मेजॉरिटी मेंबर्स कितने हैं तो 47 कंट्रीज़ हैं. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस. तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड नेशंस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि UPSC जब आपसे पूछेगा तो वहाँ पर ये सेकेंड की जगह थर्ड कर सकता है, थर्ड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फर्स्ट लार्जेस्ट, ऐसे कुछ भी कर सकता है. तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज नहीं होगा, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर United Nations, okay? And 47 Muslim majority countries हैं, overall 57 members हैं. And this is the first time that India has been invited to the summit. Another fact is that this is the first time India has been invited into the summit. इसके अलावा एक और फैक्ट जो पूछा जा सकता है वो है, इंडिया इज नाइदर अ मेंबर नॉर अ ऑब्जर्वर टू दिस ग्रुप. ओके, सो अगर ऐसा लिख देते कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर बट इट इज एन ऑब्जर्वर स्टेट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. वी आर नाइदर मेंबर नॉर एन ऑब्जर्वर स्टेट ऑब्जर्वर टू द ग्रुप. एंड डिस्पाइट वी आर हैविंग द थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, हमारे यहाँ थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड की है, फिर भी हम ना ही मेंबर हैं ना ही ऑब्जर्वर हैं. ओके, और कंट्रीज़ लाइक रशिया एंड थाईलैंड दैट हैव सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन आर ऑब्जर्वर स्टेट्स. तो रशिया और थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ को भी माइनॉरिटी स्टेट्स, जहाँ पे माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको ऑब्जर्वर स्टेट्स बनाया गया. तो ये सारे फैक्ट्स बिल्कुल याद रखिएगा. एनी ऑफ दीज स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ताकि आपको बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए. इट शुड गेट इम्प्रिंटेड ऑन योर ब्रेन्स. ओके, सो हेडक्वार्टर फॉर दिस OIC इज़ इन जद्दा सऊदी अरेबिया. तो ये जो जद्दा नाम की जगह है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है. प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. फाउंडेशन ईयर इसका 1969 है, इट वॉज फाउंडेड इन 1969 और दिस ईयर इट वॉज द 46th सेशन इन UAE अबूधाबी, वहाँ पर इसका 46th सेशन हुआ था. दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स.
टिल एटलीस्ट योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ताकि वहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर सकें। OIC 47 मुस्लिम मेजोरिटी, 57 ओवरऑल मेंबर, 1969 में बना। इंडिया इज नाइदर अ मेंबर नॉर ऑब्जर्वर। फर्स्ट टाइम इंडिया इन्वाइट किया गया था। रशिया थाईलैंड माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वर है। हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरेबिया। दिस इज द 46th सेशन इन UAE। दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग OIC। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक, और याद भी हो गया होगा क्योंकि पहले ही बताया था, आज फिर से रिवाइज करा दिया, क्वेश्चन भी दे चुका हूँ इसके ऊपर, तो आपको काफी कुछ याद होगा। यहाँ पे कन्वेंशन ऑन काउ कंजर्वेशन इन जयपुर। सो द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बेसिकली हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ स्टेट लेवल कन्वेंशन ऑन काउ कंजर्वेशन। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किसने किया था, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब न्यूज में आया है तो जानने में कुछ बुराई भी नहीं है। कन्वेंशन ऑन काउ कंजर्वेशन कहाँ पे लिया गया है? राजस्थान, जयपुर में। ओके, तो दैट इज अ फैक्ट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। ओके, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। ये एड्स हैं यहाँ पे भी, 4 साल हुआ कमाल भी ऐड ही है बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट का अपने लिए। नाउ फायर्स आर अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ सम फॉरेस्ट सिस्टम। दिस इज व्हाट हैज बीन कमिंग अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द साइंटिस्ट, दैट फॉरेस्ट फायर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेस्ट सिस्टम्स। अब यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के बेसिकली कुछ एडवांटेजेस बताए गए हैं। फॉरेस्ट फायर्स के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, वो साइंटिस्टों ने जो रिसर्च रिसर्च करके ये पूरा उन्होंने डिसाइड किया है कि ये फॉरेस्ट फायर्स के एडवांटेज भी हैं। वैसे अभी रिसेंटली फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ द मुदुमलाई जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे तमिलनाडु में, मुदुमलाई इज इन तमिलनाडु। उसके अलावा बांदीपुर जो कि कर्नाटका में है, बांदीपुर इज इन कर्नाटका, एंड वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर की हमको घटनाएं देखने को मिली। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज इशूज स्पेशली इन साउथ इंडिया फॉरेस्ट फायर्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। देर माइट बी सम क्वेश्चन इन द मेन्स एग्जामिनेशन, मेन्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसके डिसएडवांटेज और उसके एडवांटेजेस भी आप लिखिए। ओके, तो एडवांटेज तो एक आप सबको पता होगा, जैसे कि क्लियरेंस करते हैं कभी कभी, फॉरेस्ट का भी क्लियर किया जाता है और उसकी फर्टिलिटी को रीग्रो किया जाता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ये घुमा फिरा के आप उसको एडवांटेज में डाल सकते हैं। लेकिन अभी ग्रुप ऑफ साइंटिस्टों ने बताया कि दे आर एसेंशियल फॉर द फॉरेस्ट सिस्टम एज वेल। जैसे कि आपको पहला दिख रहा होगा, इनफैक्ट सेवरल नेटिव ट्रीज एंड प्लांट्स इन दीज लैंडस्केप्स हैव को इवॉल्व विद फायर, एंड फायर हेल्प्स रिवाइव डॉर्मेंट सीड्स ऑफ मेनी स्पीशीज। तो जो डॉर्मेंट सीड्स होते हैं बहुत सारी स्पीशीज की जो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाते, उनको इवॉल्व करने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट फायर। सो फॉरेस्ट फायर्स आर एसेंशियल फॉर रिवाइविंग द डॉर्मेंट सीड्स ऑफ मेनी स्पीशीज। इसके अलावा बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वो को इवॉल्व हो गए हैं फॉरेस्ट के साथ। जैसे कि इन मुदुमलाई इवन यंग वुडी ट्रीज सर्वाइव द ग्राउंड फायर्स। तो जो यंग वुडी ट्रीज होते हैं वो ग्राउंड फायर को सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब उनका कुछ मैकेनिज्म इस तरीके से हो गया है को इवोल्यूशन के कारण कि दे कैन सर्वाइव द सरफेस फायर्स। ओके, सरफेस दे कैन सर्वाइव ग्राउंड फायर्स एंड हैव हायर ग्रोथ रेट इमीडिएटली पोस्ट फायर। तो क्या होता है, उनका मैकेनिज्म इस तरीके से बन गया है, जैसे ही फॉरेस्ट फायर खत्म होता है उनका जो ग्रोथ रेट होता है दैट इंक्रीजेज अलॉट। ओके, वो इंक्रीज हो जाता है अंटिल दे रीच अ सर्टेन हाइट। तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि फॉरेस्ट फायर भी है जो फॉरेस्ट सिस्टम का मेंटेनेंस का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको कि डॉर्मेंट सीड्स को रिवाइव करने में को इवोल्यूशन हुआ है, तो मेनी ऑफ द यंग वुडी ट्रीज ऑल्सो सर्वाइव द ग्राउंड फायर्स, एंड आफ्टर द फायर्स पोस्ट फायर देयर ग्रोथ रेट इमीडिएटली इंक्रीजेस। तो ग्रोथ रेट जो उनका होता है वो इमीडिएटली इंक्रीज हो जाता है। ओके, दैट इज अनदर फैक्ट। फिर इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे फैक्ट दिख रहा होगा, फायर्स इवन हेल्प इन सप्रेसिंग द इन्वेसिव स्पीशीज। ओके, तो जो इन्वेसिव स्पीशीज होती हैं, इन्वेसिव स्पीशीज कौन सी होती हैं, बेसिकली वो स्पीशीज जो दूसरे हैबिटेट में रह रहे हैं प्लांट्स या सर्वाइव कर रहे हैं, उनके 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 रिसोर्सेज को शेयर करने लगे और ऐसा करते करते एक दिन उसी को डिस्ट्रॉय करते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज होती हैं। ओके, तो याद रखिएगा ये। तो फॉरेस्ट फायर्स हैव बीन हेल्पफुल इन सप्रेसिंग द इन्वेसिव स्पीशीज, दिस इज अनदर फैक्ट। एक और फैक्ट था बेसिकली इस न्यूज आइटम में, वो था सोलिगा कम्युनिटीज के बारे में। तो सोलिगा कम्युनिटी याद रखिएगा, दे आर इन कर्नाटका। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है सोलिगा कम्युनिटी कहां पाई जाती है, तो दे आर इन कर्नाटका। अब न्यूज में था तो देख लीजिए, सोलिगा कम्युनिटी आर एट कर्नाटका, और बिलीगिरी रंगास्वामी टेंपल टाइगर रिजर्व का नाम भी आया है, तो दैट इज ऑल्सो इन कर्नाटका। ओके, बिलीगिरी रंगास्वामी टेंपल टाइगर रिजर्व, दैट इज ऑल्सो इन कर्नाटका। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि दिए हुए हैं, इनको याद रखना है, दिमाग में रखना है अपने को। अब यहाँ पे दिया है कि अगर फॉरेस्ट फायर ना हो तो एक पैरासिटिक श्रब है दैट अफेक्ट्स द मैच्योर ट्रीज। यहाँ पे एक और लिखा कि फॉरेस्ट फायर अगर नहीं होता है तो एक पैरासिटिक श्रब था दैट अफेक्टेड द इंटायर मैच्योर ट्रीज एंड हैव थ्राइव्ड ड्यू टू फायर सप्रेशन। मतलब जो फायर सप्रेशन किया गया, फायर को दबाया गया, तो जाके ये पैरासिटिक श्रब आया और उसने बहुत सारे मैच्योर ट्रीज को अफेक्ट किया। तो ये भी दिखाता है कि किस तरीके से
फॉरेस्ट फायर जरूरी था इस पैरासिटिक श्रब को रिमूव करने के लिए, अदरवाइज फॉरेस्ट फायर का अगर सप्रेशन करोगे तो जाके तो ये सब श्रब आ जाएंगे और पैरासिटिक श्रब रहेंगे ये लोग, है ना। एंड यहाँ पे लिखा है कि फॉरेस्ट फायर इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, देयरफॉर फॉरेस्ट फायर इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ओके। बट एक चीज बताई गई, ये सारे साइंटिस्टों ने बोला कि जो हाई इंटेंसिटी फायर्स रहते हैं दे हैव अ निगेटिव इम्पैक्ट, ओके, दे हैव अ लॉट ऑफ निगेटिव इम्पैक्ट्स। हाई इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर का बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट रहता है। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस न्यूज आइटम। आई होप काफी ज्यादा पॉइंट्स आपको मेन्स के लिए मिल गए होंगे। अगर मेन्स में क्वेश्चन आता है कभी कि पॉजिटिव पॉइंट्स लिखो, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो अब सिर्फ वो फर्टिलिटी वाला पॉइंट आप नहीं लिखोगे, एटलीस्ट ये सारे पॉइंट्स भी आप लिख देना उसमें। मुक्ति विच इज एन अलायंस टू कॉम्बैट बॉन्डेड लेबर, तो बेसिकली ये जो अलायंस है ये भी कर्नाटका में ही किया गया है, तो याद रखिएगा इन कर्नाटका मुक्ति एन अलायंस टू एंड बॉन्डेड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बीन डन। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है का अलायंस है ये, तो बेसिकली 60 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, 60 एनजीओज हैव केम टुगेदर इन कर्नाटका टू फॉर्म मुक्ति विच विल फाइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। याद रखिएगा सिंपल फैक्ट, मुक्ति विच इज बींग मेड इन कर्नाटका, इट इज एन अलायंस टू एंड बॉन्डेड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओवर 60 एनजीओज, ओवर 60 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अक्रॉस कर्नाटका विल कम टूगेदर एंड फॉर्म दिस मुक्ति, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड ऑल रिमेंबर, ओके, इसको जरूर याद रखिएगा। Now, order on surveillance meant to protect the privacy. This is what government is telling the Supreme Court. अभी recently December में एक order आया था जब मैंने आपको बताया था कि अब surveillance जो है openly surveillance करने के लिए allow कर दिया government ने। उन्होंने कहा है कि 10 government agencies ऐसी हैं जिनके पास पूरा आपके laptop, पूरा आपके computer का जो decrypted data रहेगा वो उनको मिल जाएगा, okay? Now, उसके against बहुत सारे PILs किए गए in the Supreme Court that it is against the right to privacy, हमारे right to privacy के against ये सारी चीज़ें। Now the center is giving रिस्पॉन्स टू दैट PIL, उस अपील के एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो सेंटर का रिस्पॉन्स है वो ये है बेसिकली कि जो परमिशन दी गई है दैट हैज बीन गिवन टू सेलेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसीज, सेलेक्टिव एजेंसीज को ही दी गई है। फॉर एग्जाम्पल IB को दिया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को दिया गया है, रॉ को दिया गया है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन इनको दिया गया है ताकि बाकी जो एजेंसीज हैं, जो बाकी की एजेंसीज स्नूप करना चाहती हैं वो स्नूप ना कर सके बेसिकली। तो उन्होंने अपने पूरे आर्ग्यूमेंट को ही रिवर्स कर दिया, उन्होंने कहा कि आपकी प्राइवेसी को बचाने के लिए ही हमने इन बाकी एजेंसीज को ये डेटा देखने के लिए दिया है, तो दैट इज गुड थिंग। एक्यूजेशन ऑफ एन एक्यूजेशन ऐसा किया जा रहा है बेसिकली। एंड उनका कहना यह है कि जो ऑर्डर दिया गया है दैट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 69(1) ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे टेक्निकलिटी की ये ऑर्डर किस सेक्शन के तहत दिया गया है, तो सेक्शन 69(1) ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 एंड रूल 4 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2009 रूल्स। तो 2000 IT एक्ट जो आया था उसके सेक्शन 69(1) के तहत ये जो ऑर्डर निकाला गया है वो है, और रूल 4 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2009 रूल्स के तहत भी निकाला गया है, ओके। सो दैट इज द फैक्ट which you all should remember, okay, याद रखिएगा। Now the government said that surveillance is necessary in the modern world. अब देखो उन्होंने आगे क्या justification दिया है, that surveillance is necessary in the modern world where modern tools of information communication including encryption is used. Surveillance is done only in defense of India to maintain public order etc. तो उन्होंने basically justify ये कह के किया है कि surveillance is done only in the defense of India and only to maintain public order, peace, morality, all these things. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहानेबाजी में दिया है, और बहानेबाजी भी नहीं है, चलो ठीक है, अपना रिस्पांस उन्होंने दिया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से लेती है और क्या डिसीजन फाइनली करती है। क्या हम और आप जैसे सिटीजन है तो क्या अपने लैपटॉप में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी डेटा है, इसको ओपनली देने के लिए एग्री करते हैं? तो ये आपके ऊपर है, ये हमारे ऊपर है, ओके। यहाँ पे देखो लिखा है सेक्शन 69 के बारे में, इट गिव्स द गवर्नमेंट द पावर टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट एनी इन्फॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। सेक्शन 69 वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा IT एक्ट 2000 का, IT एक्ट 2000 का सेक्शन 69, इट गिव्स द गवर्नमेंट द पावर टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट एनी इन्फॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। इट सेज सर्विलेंस कैन बी डन इफ अथॉरिटीज आर सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो अगर एजेंसीज को लगता है, अथॉरिटीज को लगता है कि फॉर द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड डिफेंस ऑफ इंडिया इट इज नेसेसरी, देन दे कैन अंडरगो द सर्वेलेंस। याद रखेगा ये सर्वेलेंस
कर सकते हैं। द रीजन्स फॉर सर्वेलेंस हैव टू बी रिकॉर्डेड इन एन ऑर्डर इन राइटिंग। जो सर्वेलेंस के रीजन्स हैं उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको राइटिंग में। एंड द सब्सक्राइबर और इंटरमीडियरी और एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स शैल प्रोवाइड एक्सेस टू द कंप्यूटर रिसोर्स टू द गवर्नमेंट। लैक ऑफ कोऑपरेशन शैल बी पनिश्ड विद अ प्रिजन टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड पेनल्टी। तो जो सब्सक्राइबर होगा या जिसका लैपटॉप होगा जिसके ऊपर ये आदेश जाएगा उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा, और अगर उसने नहीं किया ऐसा देन ही शैल बी पनिश्ड विद अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड अ पेनल्टी। तो याद रखिएगा ये सेक्शन जो 69 है उसके तहत ये सारी पावर्स हैं गवर्नमेंट के पास, वो एजेंसीज को बोल सकते हैं, वो सर्वेलेंस कर सकते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी इस पूरे इशू में। स्वाइन फ्लू के केसेस में गुजरात में बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उनको भी ध्यान में रखिएगा। आयुष्मान भारत ने नाउ उबर कैब्स के साथ एक कोऑपरेशन किया है। नाउ आयुष्मान भारत हैज जॉइंड हैंड विद उबर। ओके, तो आपको पता है जो कैब सर्विसेज हैं, जो ओला उबर ये सारी सर्विसेज हैं, कैब सर्विसेज हैं, तो उनमें से उबर के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने कोऑपरेट किया है नाउ। एंड जो उनके ड्राइवर्स हैं उनको कवर करने के लिए, जो उबर के ड्राइवर्स हैं बेसिकली उनको कवर करने के लिए है। बट दिस फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल इन दिल्ली, उड़ीसा एंड तेलंगाना, क्योंकि ये स्टेट्स ने PMJAY यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ज्वाइन नहीं किया है। तो दिल्ली, उड़ीसा, तेलंगाना याद रखिएगा यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और आयुष्मान भारत में याद रखिएगा उबर के साथ ज्वाइन किए हैं हैंड्स फॉर एक्सटेंडिंग हेल्थ कवर टू देयर ड्राइवर्स एंड डिलीवरी पार्टनर्स, याद रखिएगा। और उबर का अपना खुद का चलता है उबर केयर, तो उबर केयर इनिशिएटिव है उसी के तहत बेसिकली ये जो पार्टनरशिप की गई है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ यानी कि आयुष्मान भारत के साथ, वो उबर केयर के अंतर्गत की गई है, अंडर विच उनके ड्राइवर्स को उनके पार्टनर्स को ये सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। एडिटोरियल में आते जो पहला यहाँ अकाली फैक्टर लिखा हुआ है ना, तो अकाली फैक्टर का जो एडिटोरियल है उसके साथ अपन ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल एडिटोरियल है जो बीजेपी और NDA और अकाली दल का जो बेसिकली कॉपरेशन उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, तो उसको तो बिल्कुल काट कूट के अपन अलग कर देते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, इंश्योर अ मिनिमम इनकम फॉर ऑल। दिस वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल टूडे। ओके, सो दिस वॉज ऑन यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर ये आर्टिकल था। एंड ऑथर सेज दैट आइडिया ऑफ UBI इज गेनिंग ग्राउंड ग्लोबली। ओके, तो ऑथर भी थोड़ा फेवर में ही दिखा है क्योंकि लास्ट में उन्होंने कहा है कि ज़्यादा ज़रूरी है UBI, बट किस तरीके से होना चाहिए और क्या होना चाहिए वो भी ऑथर ने सजेस्ट किया है। फर्स्ट थिंग इज दैट वॉट इज़ UBI, क्या है UBI? बेसिकली UBI रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू पे एवरी सिटीजन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड विदाउट एनी कंडीशनैलिटीज। मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी आप प्रोवाइड करिए ऑन रेगुलर बेसिस एंड विदाउट एनी कंडीशनैलिटीज। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ UBI। नाउ व्हाई देयर इज अ डिमांड फॉर UBI? बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल आर रिमेनिंग अनएम्प्लॉयड एंड आर एक्सट्रीमली पुअर डिस्पाइट द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लास्ट 3 decades। तो पिछले 30 सालों में इंडिया की ग्रोथ तो ही है, बट उस ग्रोथ के हिसाब से ना जॉब बढ़ी है ना लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा है। तो मिलियंस ऑफ पीपल आर स्टिल अनएम्प्लॉयड एज वेल एज मिलियंस ऑफ पीपल आर एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं और अनएम्प्लॉयड भी हैं, जिसकी वजह से उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ नहीं रहा है, वो कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेल नहीं कर पा रहे हैं। सो फॉर दैट रीज़न इट हैज़ बीन डिमांडेड। नाउ ऑथर का कहना है कि जो पीएम किसान आई है बेसिकली वो भी एक टाइप की UBI ही है, जो 2 हेक्टेयर से कम के फार्मर्स होंगे उनके लिए तो एक तरह का UBI ही है। नाउ ऑथर ने कहा है कि बेसिकली UBI अपने आप में कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, इट कैन नॉट बी अ सोल्यूशन, और इट कैन नॉट बी अ सोल्यूशन टू प्रोवाइड हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज एज वेल। क्यों? बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नॉर्मल सी बात है, अभी जो चीज़ें हैं नॉर्मल रेट पे हैं, जो उनका रेट है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर सबके पास पैसा बढ़ जाएगा, सबके पास इफ एवरी वन विल हैव द मनी, देन क्या होगा कि प्राइजेज इंक्रीज होंगे, बेसिकली दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो अगर आप सोच रहे हो कि UBI डाल देंगे तो बाकी सर्विसेज अवेल कर लेंगे लोग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोगों के पास जब सबके पास पैसा आ जाएगा तो फिर उन चीज़ों का रेट भी तो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली इट विल बी अ जीरो सम गेम ओनली। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, ऑथर ने उसके लिए ये सजेशन दिया बेसिकली, इट शुड नॉट बी गिवन टू हायर एंड मिडिल क्लास ग्रुप। ओके, तो हायर एंड मिडिल क्लास का जो ग्रुप है ना उसको ये चीज़ नहीं देनी चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सजेस्टिंग। ऑथर का सजेशन ये है कि ये चीज़ आप मिडिल क्लास और हाई इनकम ग्रुप को मत प्रोवाइड करो। ओके, ताकि मतलब सबके पास एक साथ पैसा ना बढ़े, जो बिल्कुल नीडी लोग हैं उनके पास एक्चुअली में पैसा बढ़े। ओके, एंड UBI शुड बी प्रोवाइडेड टू लैंडलेस लेबरर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, मार्जिनल फार्मर्स हु सफर फ्रॉम द मल्टी डायमेंशनल
पॉवर्टी। तो अगर आपको चाहिए कि सही तरीके में यूबीआई का आप अगर सही तरीके में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए, देन डू नॉट प्रोवाइड इट टू द मिडिल इनकम ग्रुप, डू नॉट प्रोवाइड इट टू द हायर इनकम ग्रुप, या ऐसे एग्रीकल्चर फार्मर्स दोज हु आर वेल ऑफ, तो जो वेल ऑफ फार्मर्स हैं उनको भी मत प्रोवाइड करो, लेकिन आप लैंडलेस लेबरर्स को प्रोवाइड करो, एग्रीकल्चर वर्कर्स को प्रोवाइड करो, मार्जिनल फार्मर्स को प्रोवाइड करो हु सफर फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो बेसिकली ये आइडिया ऑथर ने दिया, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया, मुझे भी बहुत सही लगा। नाउ दीज ग्रुप्स हैव नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दे वर एंड स्टिल आर द पुअरेस्ट इंडियंस। तो बेसिकली जो ये ग्रुप है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स का, मार्जिनल फार्मर्स का, इन सब चीजों का, तो ये जो है दे आर एक्चुअली द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इंडियन, और हम सबको जरूरत नहीं है यूबीआई की, बल्कि इन लोगों को अगर हम देते हैं तो फिर वो थोड़ा बेनिफिशियल भी रहेगा। ना ऑथर ने हाईलाइट किया कुछ एडवांटेज यूबीआई के, तो एक एक करके वो देख लेते। फर्स्ट इज रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इंडेटनेस अमंग मार्जिनल फार्मर्स। अब अगर आप सिर्फ मार्जिनल फार्मर्स को पैसा देते हो, मतलब कि इस ग्रुप को बस केवल पैसा देते हो जो एक्चुअल में डिजर्विंग ग्रुप है, तो उनकी इंडेटनेस को थोड़ा कम करेगा, दैट इज अ फैक्ट। तो उनको जब मंथली इनकम मिलेगी तो उनकी जो उनके ऊपर जो लोन है, जो उनकी गरीबी है, वो थोड़ा कम होगी। सेकेंड, इट विल हेल्प द पुअर टू मेक एंड्स मीट। ओके, तो जो उनको जरूरतें हैं उनको पूरा करेगी। इंप्रूव द न्यूट्रिएंट इनटेक, जो उनका न्यूट्रिएंट इनटेक है उसको बढ़ा देगा, डेफिनेटली उसको बढ़ाएगा। इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड स्कूल अटेंडेंस फॉर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द पुअर हाउसहोल्ड। अब जब सिर्फ पुअर हाउसहोल्ड्स को मिलेगा पैसा तो उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ेगी, तो जरूर वो अपने बच्चों को एनरोल करा पाएंगे, अपने स्कूल की फीस भर पाएंगे, तो बेसिकली दैट विल बी एडवांटेज। इट विल इंप्रूव द हेल्थ एंड एजुकेशनल आउटकम्स बेसिकली ओवरऑल। तो जब हमने देखा कि न्यूट्रिएंट इनटेक बढ़ेगा, हेल्थ फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इट विल इंप्रूव द हेल्थ एंड एजुकेशनल आउटकम। देन यूबीआई कैन प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो। अब जब लोग हैं बेसिकली, तो क्या होगा, अगर उनके पास पैसा आता है तो दे कैन स्टार्ट सम ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसेस एज वेल। फॉर एग्जांपल वो फ्रूट वेजिटेबल सेलर्स, इन सब चीज़ों का कुछ अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने लगेंगी, खुद वो अपने रोजगार बना सकते हैं बेसिकली। इट विल ब्रिंग अ लार्ज नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स आउट ऑफ पॉवर्टी ट्रैप, बेसिकली आउट ऑफ पॉवर्टी ट्रैप ला लेगा। बहुत सारे हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनको बिल्कुल पुल करने में ये मदद करेगा। एंड इट विल रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटीज़। अब जब आप सिर्फ उन लोगों को पैसा दोगे, देखो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों आपको मिडिल और हायर इनकम ग्रुप को नहीं देना चाहिए पैसा, बिकॉज इनइक्वालिटीज तो उतनी ही रह जाएंगी ना। फॉर एग्जांपल अगर मिडिल इनकम ग्रुप वाला भी 100 रुपए रखा है, गरीब 1 रुपए रखा है, अब आपने दोनों को 100-100 रुपए दे दिए, तो इसके पास तो 200 रुपए हो गए और गरीब के पास 101 रुपए रह गया, तो डिफरेंस तो उतना ही रह गया, द इनइक्वालिटी डिफरेंस विल रिमेन द सेम। देयरफॉर यू नीड नॉट टू गिव दैट रिमेनिंग 50 रुपीज 60 रुपीज विच एवर यू आर गिविंग टू द हायर ग्रुप, उसको नहीं देने की जरूरत है आपको, और आप केवल वो पुअर पीपल को दो। तो जैसा अभी 100 रुपए और 1 रुपए था, तो अगर उसको हम 70 रुपए दे देते तो ये अब 100 रुपए और 71 रुपीज हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी डिक्रीज होगी। ओके, बेसिकली इनइक्वालिटी डिक्रीज करना है अगर आपको, तो आपको केवल उन्हीं को देना चाहिए जो एक्चुअल में डिजर्विंग है, जो एक्चुअल में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। नाउ सिंस पुअर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर इनकम, अ बूस्ट इन देयर इनकम विल इंक्रीज डिमांड एंड प्रोटेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज एज वेल। तो जब आप उनको गरीबों को पैसा दोगे तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। बेसिकली दीज आर द रीजंस गिवन फॉर यूबीआई कि क्या इनका बेनिफिट है। ऑथर ने 9 रीजंस दिए हैं, अगर आपने ये सारे रीजंस समझ लिए हैं देन दैट विल बी एक्सट्रीमली गुड फॉर यू। ओके, एक्सट्रीमली गुड फॉर यू, एंड काफी अच्छा आप आंसर लिख सकते हैं। अब ऑथर ने कहा है कि यूबीआई विल बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट कम्स ऑन टॉप ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन। तो वही है कि जब तक ये बिल्कुल टॉप प्रायोरिटीज को नहीं दी जाएगी, प्लस जब तक ये हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज को नहीं प्रोवाइड करने में सफल रह पाता, तब तक यूबीआई का कोई मतलब नहीं है। इस कारण से ही इसको कुछ ही ग्रुप्स में देना जरूरी है। तो ये ऑथर का सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओनली लैंडलेस लेबरर, एग्रीकल्चर वर्कर, मार्जिनल फार्मर्स, ऐसे ग्रुप को ये चीज़ देने की जरूरत है, और मतलब जो बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जिनको बिल्कुल जरूरत है, डिमांड है जिनकी। Author says that SECC, यानी कि जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा है, एग्रीकल्चर सर्वे का जो डेटा है, वो सारे डेटा का यूज करो और उसके थ्रू बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करो यूबीआई के लिए, फिर उनको वो चीजें दो। एंड ऑथर का ये कहना है कि इसमें पैसा तो बहुत लगेगा, गवर्नमेंट विल हैव टू इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इन दिस यूबीआई स्कीम, बट परसिस्टेंट पॉवर्टी इज मच हायर। तो जो पॉवर्टी है वो ज्यादा, उसको एलिमिनेट करना ज्यादा जरूरी है, और थोड़ा अगर खर्चा हो भी जाता है गवर्नमेंट का तो उसमें कोई बात नहीं है। सो दैट इज द सजेशन कमिंग फ्रॉम राम सिंह। ऑथर वॉज एक्सट्रीमली गुड आर्टिकल। ओके, बहुत ज्यादा अच्छा आर्टिकल था ये।
मिक्स सिग्नल्स फ्रॉम पाकिस्तान, बेसिकली दिस आर्टिकल इज ऑन द मिक्स सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा कि ये पीस जेस्चर है हमारा. ओके, दैट इज अ पीस जेस्चर. नाउ ऑथर का ये कहना है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट द रियल डिसीजन मेकर इन पाकिस्तान. द फर्स्ट थिंग विच द ऑथर सेज इज दैट पीएम ऑफ पाकिस्तान इज नॉट द रियल डिसीजन मेकर इन पाकिस्तान, रादर इट्स द जनरल्स हु आर सिटिंग इन द हेडक्वार्टर ऑफ रावलपिंडी. मतलब जो आर्मी के जो जनरल्स हैं वो जो वहां बैठे हुए हैं वो रियल डिसीजन मेकर्स हैं, नॉट द प्राइम मिनिस्टर. तो बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच हैज बीन सेड. नाउ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू टेक क्रेडिट फॉर रिलीजिंग द विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान एंड प्रमोटिंग पीस इन द सब कॉन्टिनेंट. तो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पीस का नाम लेकर के जो क्रेडिट है वो लेना चाहते थे फॉर रिलीजिंग द विंग कमांडर अभिनंदन, एंड ही इज ट्राइंग टू कंसील द रियल रीजन बिहाइंड दिस एस्केलेशन. तो ये सब करके वो जो जो इंडिया ने सारी चीज़ें की उसका जो रियल रीजन था उसको छुपाने की कोशिश करे. उसका रियल रीजन तो ये था ना कि पुलवामा में अटैक हुआ था जैश ए मोहम्मद टेरर ग्रुप के द्वारा, जिसके कारण 41 हमारे CRPF के जवान जो थे वो शहीद हो गए थे. सो दैट वॉज द रियल रीजन बिहाइंड ऑल दीज एक्सीजेंसीज, ऑल दिस कंटीजेंसीज टुक प्लेस बिकॉज ऑफ दैट अटैक ऑन पुलवामा. तो इंडिया ने कोई पहले अटैक नहीं किया, आप ये नहीं बोल सकते थे कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक एंड ऑल. इंडिया के ऊपर अटैक हुआ तब जाके उन्होंने रिटेलिएट किया, एंड दैट इज अवर राइट. ओके, तो हम कब तक सह सकते हैं, टिल मतलब व्हाट टाइम पीरियड आप हमको हर्ट करते रहोगे, वी विल रिस्पॉन्ड समटाइम्स, है ना. एंड वही चीज इंडिया ने की. Now, author says that Pakistan's military credibility and honor have been severely damaged by its inability to anticipate and thwart the aerial attack on Balakot deep inside Pakistan territory. तो वही उन्होंने author ने कहा कि पाकिस्तान की military credibility तो आप देख ही रहे हो कि इंडिया ने घुस के बालाकोट में जाके वहाँ पे bombing की और फिर return भी होके आ गए. तो ये दिखाता है कि वहाँ की जो military है that is also not well prepared military, है ना. And वही सारी चीज़ें हैं. और ऑथर ने ये कहा है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मिलिट्री कंट्रोल इमरान खान हैज़ टू स्पीक विद बोथ साइड्स ऑफ हिज माउथ इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू सेव द मिलिट्रीज ऑनर वाइल अटेम्प्टिंग टू गेट ऑफ द स्केलेटरी लैडर ऑल्सो. तो उनको दोनों चीज़ें मेंटेन करनी पड़ रही है, तो मिलिट्री का ऑनर भी बचाना है, दूसरा उनको एस्केलेशन को भी कम करना है. तो यही सारी चीज़ें उन्होंने दिमाग में रख के जो हमारे अभिनंदन वर्तमान थे उनको रिलीज करवाया. एंड देखो जो भी हुआ है अल्टीमेटली हमको खुशी इस बात की है कि हमारे जो विंग कमांडर थे वो रिटर्न हो गए, दैट इज़ द फाइनल थिंग विच वी आर ऑल वरीड अबाउट. एंड वही हमारा कंसर्न था और वो हो गया, एक बार वो रिटर्न हो गए, सो दैट इज ऑल वी वॉन्टेड. ओके, अब तो देखो डिसलेशन की बात करनी चाहिए, बिल्कुल पीस होना चाहिए, एवरी वन वॉन्ट्स पीस, नो वन वॉन्ट्स वॉर, नो वन वॉन्ट्स अटैक एंड ऑल. बट जब अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो आपको रिटेलिएशन तो मिलेगा ही. नाउ इन दिस ओपेड पेज, लेट्स कम टू द ओपेड पेज. बेसिकली दिस ओपेड पेज वॉज ऑन इंक्रीजिंग द मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट. तो मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में था ये ओपेड पेज. अब अगर आपसे मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आता है कि क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो क्यों इंक्रीज, क्यों इतना ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली, तो उसमें आप बाकी रीज़न तो जैसे हैं ही कि हमने उनके फॉरेस्ट एरियाज को इंक्रोच कर लिया, उनके फॉरेस्ट एरियाज को काट के वहाँ पे घर बना लिया, सड़कें बना लिए, सारे रीजंस तो बिल्कुल हैं. उसके अलावा कुछ वैसे रीज़न भी हैं. फॉर एग्जांपल जो पॉपुलेशन है, टाइगर पॉपुलेशन दैट इज़ इंक्रीजिंग अलॉट, द टाइगर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. हमने देखा है कि टाइगर पॉपुलेशन 1400 से 2600 हो गई थी, दैट हैज़ इंक्रीज 2200 हो गई थी, तो दैट पॉपुलेशन इज सीइंग एन इंक्रीज. जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली दे विल रिक्वायर प्रे, दे विल रिक्वायर मोर प्रे, और ज़्यादा प्रे के लिए उनको ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए. तो बेसिकली ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ विच टाइगर्स आर कमिंग टू द मैंस लैंड. ओके, तो वो इसलिए भी एक रीज़न ये भी है, बाकी रीज़न भी सही है बिल्कुल कि उनके लैंड्स का इंक्रोचमेंट किया गया है, द लैंड ऑफ टाइगर्स हैव बीन इंक्रोच्ड, फॉरेस्ट एरियाज हैव रिड्यूस एंड ऑल, बट एट द सेम मोमेंट द टाइगर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर दे रिक्वायर अ लार्ज प्रे बेस एज वेल एज दे रिक्वायर अ लार्ज फॉरेस्ट एरिया. And reasons for this increase in tiger population is first excellent tiger conservation project, जो NTCA National Tiger Conservation Authority है उसके थ्रू बहुत सारे टाइगर रिजर्व और ये सारे जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जो स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट टाइगर. सो ये भी एक फैक्ट याद रखेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973. ओके, एंड NTCA वाज सेटअप इन 2005. NTCA जो कब बना, 2005 में बना. टाइगर सेंसस कब होता है, 4 ईयर्स में, एवरी 4 ईयर्स दिस टाइगर सेंसर इज बीइंग कंडक्टेड. सो ये सारे फैक्ट्स आप दिमाग में रखिएगा और ये रीज़न है. सेकंड इज मोर अवेयरनेस, लोग भी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, देयरफॉर दिस इज अनदर रीजन फॉर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. देन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ओवर पोचिंग, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हुआ है और पोचिंग के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल, जो मार दिया जाता है या शिकार किया जाता था उसके ऊपर काफी ज्यादा
कंट्रोल हुआ है. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इज इंक्रीजिंग एंड इसी कारण से उनको ज़्यादा जगह जगह की ज़रूरत है, ज़्यादा प्लेस की ज़रूरत है. अब इस आर्टिकल में तीन चार टाइगर रिजर्व्स का नाम भी आया था, तो लेट्स सी देम ऑल्सो. बोर टाइगर रिजर्व पहले बात कर लेते हैं. बोर टाइगर रिजर्व बेसिकली इज इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. ओके, तो बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है. पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो इट इज इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश बॉर्डर, दोनों में आता है. पेंच अगर आप देखें तो बोथ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. सिर्फ महाराष्ट्र लिखा हुआ है लेकिन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों में आता है पेंच टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. सॉरी. थर्ड यहां पे कान्हा का नाम आएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व. तो कान्हा का नाम याद रखिएगा, कान्हा इज इन मध्य प्रदेश एंड पेंच टाइगर रिजर्व. पेंच पेंच जो है मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र में, लेकिन कान्हा मध्य प्रदेश में. एंड उसके अलावा बोर का है नाम, तो बोर महाराष्ट्र में. तो बेसिकली ये सारे प्लेसेस का नाम जरूर याद रखिएगा. ओके, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. आगे की तरफ अब मूव करते हैं, देखते हैं क्या और न्यूज है बची हुई इंपॉर्टेंट. तो लेट्स सी दैट ऑल्सो, कौन सी अपन डिस्कस कर सकते हैं. बेसिकली ऐसा नहीं कि सारी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है. सेबी का नाम लिखा था, तो सेबी के बारे में आपको पता है कि 1988 में ओरिजिनली बनी थी, तब ये नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी थी. बट लेटर ऑन इट इन 1992 अंडर द सेबी एक्ट ऑफ 1992 इट वॉज कन्वर्टेड इन टू अ स्टेट्यूटरी बॉडी. ओके, याद रखिएगा. सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में ओरिजिनली बनी थी एज नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी, बट लेटर ऑन इन 1992 इट वॉज कन्वर्टेड इन टू अ स्टेट्यूटरी बॉडी अंडर द सेबी एक्ट ऑफ 1992. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. कौसी जुडिशियल बॉडी है और ये फाइंस भी अलॉट कर सकती है, फाइन भी लगा सकती है लोगों के ऊपर, याद रखिएगा. तो दैट इज अनदर फैक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो सेबी रेगुलेटर एक्सचेंज बोर्ड का सिक्योरिटीज एंड उसका याद रखना है. मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो क्या है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स. ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है. देखो दो डेटा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, एक होता है आईआईपी जो हमारा सीएसओ निकालता है पर मंथ, आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ओके, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन निकालता है? अपना सीएसओ निकालता है. ओके, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, पर मंथ निकालता है. और उसी तरीके से ये आपका मैन्युफैक्चरिंग जो पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, ये प्राइवेट होता है, ये निक्की इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप निकालता है. ओके, निक्की इंडिया ग्रुप निकालता है, निक्की इंडिया. ओके, तो निक्की इंडिया निकालता है. अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जो इंडेक्स आना चाहिए वो 50 से ऊपर आना चाहिए. अगर वो 50 से ऊपर की वैल्यू आ रही है देन दैट मीन्स देर इज अ एक्सपेंशन इन मैन्युफैक्चरिंग. अगर वो वैल्यू 50 से नीचे आ रही है देन दैट मीन्स देर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग. याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कि जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है उसमें 50 से ऊपर वैल्यू आनी चाहिए, दैट मीन्स एक्सपेंशन इन एक्टिविटी. एंड 50 से नीचे अगर आता तो दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन इन एक्टिविटी. तो इस बार जो हमारा आया है 54.3 आया है. ओके, 54.3 आया है, जनवरी में 53.9 था. तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा इंक्रीज हुई है. निक्की इंडिया निकालता है मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. इसको याद रखना पूरे दिमाग में एकदम, है ना. नाउ इट्स स्पोर्ट्स सेक्शन में आ जाते हैं. यहाँ पे कुछ न्यूज़ आई नहीं है, कोई ऐसा बड़ा इवेंट हुआ नहीं है जिसको हम डिस्कस करें. एंड आई होप कि दैट इज इट. यस, दैट इज इट फॉर द डे. आई होप यू लाइक आवर वीडियो. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस एंड डू वॉच एल क्लासिको. बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, बहुत अच्छा भी लगा मेरे को. सुआरेज़ ने दो गोल मारे एंड फिर से मैच होने वाला है इस बार. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us, and thank you. Keep answering. That is it for the day. Thank you and have a nice day.